हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 12 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक लीगल ग्रेविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सीधे चलते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन के बारे में प्रोविजन करता है। सेक्शन 12 चार सबसेक्शंस में है। इसका सबसेक्शन 1 एक जनरल रूल बताता है जो ये कहता है कि कोर्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाना है तो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराया जाना चाहिए। बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजन करता है, तो इसका मतलब है कि सेक्शन 12(1) में दिए गए जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और इन एक्सेप्शंस को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2, 3 और 4 में। और ये बात सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज को पढ़ने से और क्लियर हो जाएगी, जो कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। यहाँ हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन से मतलब है जैसा कि सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2, 3 और 4 में प्रोवाइडेड है, द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2, 3 और 4 को डिटेल में समझते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने का ऑर्डर दे सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देना कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब समझते हैं कि सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 ये प्रोविज़न करता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट किए गए पूरे पार्ट को परफॉर्म करने में अनेबल यानी असमर्थ हो, और यहाँ जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है उसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के उस पार्ट से बहुत ही कम हो जिसे परफॉर्म किया जा सकता है, और ऐसे अनपरफॉर्म्ड पार्ट के लिए आर्थिक प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन इन मनी दिया जा सकता है। तो यहाँ अभी तक दो इंपॉर्टेंट बात आ गई। पहली, द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बाय ओनली अ स्मॉल पोर्शन टू द होल इन वैल्यू, एंड सेकेंड, एडमिट्स ऑफ कंपनसेशन इन मनी। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कौन फाइल कर सकता है? तो सबसेक्शन 2 कहता है ईदर पार्टी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पक्षकार इस रिगार्डिंग सूट फाइल कर सकता है। और ऐसा सूट फाइल होने पर कोर्ट ये देखेगा कि सबसेक्शन 2 की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के उतने पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट कर देगा जितने को परफॉर्म किया जा सकता हो, और जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड रह जाए उतने के लिए मनी के तौर पर कंपनसेशन दिलवा सकेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। ए 100 बीघा ज़मीन बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट बाद में ये पता चलता है कि उस 100 बीघा में से 98 बीघा ज़मीन तो ए की है लेकिन 2 बीघा ज़मीन किसी स्ट्रेंजर की है, और वो स्ट्रेंजर अपनी उस 2 बीघा ज़मीन को सेल नहीं करना चाहता। और ये 2 बीघा ज़मीन ऐसी है कि अगर उस 98 बीघा ज़मीन के साथ ना बेची जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस 2 बीघा ज़मीन के ना बिकने से होने वाले नुकसान के लिए बी को फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। तो अब दोनों में से कोई भी पार्टी यानी कि ए या बी में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बड़े पार्ट को जो परफॉर्म किया जा सकता है परफॉर्म कराने के लिए सूट फाइल कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में सूट अगर बी ने फाइल किया है तो कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है कि ए 98 बीघा ज़मीन को बी को ट्रांसफ़र कर दे, और जो बाकी बची 2 बीघा ज़मीन है जो ए ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है उसके लिए बी को आर्थिक प्रतिकर यानी कॉम्पनसेशन दे दे। और अगर ऐसी सिचुएशन में सूट ए ने फाइल किया है तो कोर्ट बी को डायरेक्ट कर सकता है कि बी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तय परचेज मनी में से 2 बीघा ज़मीन के हिसाब से कॉम्पनसेशन काट कर बाकी 98 बीघा का पेमेंट ए को कर दे। अब सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 को समझते हैं, जो कहता है जहां कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अपने पूरे पार्ट को परफॉर्म करने में अनेबल हो और ऐसे परफॉर्म ना किया जा सकने वाला पार्ट परफॉर्म किए जा सकने वाले पार्ट से बहुत बड़ा हो, यानी कि अनपरफॉर्म्ड पार्ट यहां बड़ा होता है। अब यहां 2 कंडीशंस भी दी गई हैं। पहली है, जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है वो परफॉर्म किए जाने वाले पार्ट से ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसका मनी के तौर पर कंपनसेशन हो सकता हो।
या फिर दूसरी कंडीशन है कि उस पार्ट का मनी के तौर पर कंपनसेशन ना हो सकता हो। तो यहाँ वो पार्टी जिसने ऐसा डिफॉल्ट किया है वो एंटाइटल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म किए जा सकने वाले पार्ट के लिए कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ऑब्टेन करे। तो यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कौन लाएगा? तो यहाँ ऐसा सूट दूसरी पार्टी ला सकेगी, और दूसरी पार्टी के सूट लाने पर कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है कि डिफॉल्ट करने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के उतने पार्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे जितने को परफॉर्म करना उसके लिए पॉसिबल है। बट कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन एक कंडीशन के साथ होगा, और वो कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे क्लेम्स, सारे राइट टू कंपनसेशन जिसमें डिफेंडेंट की डिफॉल्ट से हुए लॉस एंड डैमेजेस भी हैं, इन सभी को प्लेंटिफ रिलिंक्विश यानी कि त्यागने को तैयार हो। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो 100 बीघा की एक ज़मीन बी को बेचेगा, बट बाद में पता चलता है कि ए ने जिस ज़मीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें से केवल 40 बीघा ज़मीन ही ए की है और बाकी 60 बीघा ज़मीन किसी स्ट्रेंजर की है, और वो स्ट्रेंजर अपनी ज़मीन को बेचने से इनकार कर देता है। इस सिचुएशन में ए बी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ऑब्टेन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट ए की साइड से हुई है। लेकिन अगर बी अपने को ए की डिफॉल्ट से हुए लॉस एंड डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन के सारे राइट्स त्याग कर ए की 40 बीघा ज़मीन के लिए पे करने को सहमत हो तो बी इसके लिए ऐसी डिग्री ऑब्टेन करने का एंटाइटल है जिसमें कोर्ट ए को डायरेक्ट करे कि 40 बीघा की परचेज मनी के पेमेंट पर ज़मीन बी को दी जाए। और अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन इन मनी पॉसिबल नहीं है तो बी के सहमत होने पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तय कंसिडरेशन पर 40 बीघा ज़मीन बी को देने को भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 12 के सबसेक्शन 4 की तरफ। ये सबसेक्शन कहता है कि जहाँ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक पार्ट ऐसा है जिसको परफॉर्म किया जा सकता है और दूसरा पार्ट ऐसा है जिसे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और पहला पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल ही सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे में कोर्ट पहले पार्ट को जो परफॉर्म किया जा सकता है स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है वो या तो इम्पॉसिबल हो गया होता है या फिर अनलॉफुल होता है। सबसेक्शन 4 थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता के सिद्धांत पर बेस्ड है, एंड डिविजिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन करने का कोई सेट रूल नहीं है, ये हर कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करता है। अब इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं जो कहता है कि इस सेक्शन यानी कि सेक्शन 12 के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अपने पूरे पार्ट को परफॉर्म करने के लिए अनेबल समझी जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर का कोई पोर्शन जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाने की डेट पर तो एग्जिस्टेंस में था बट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के टाइम पर एग्जिस्टेंस में नहीं रह जाए। आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। स्क्रीन पर दिख रहे लीगल ग्रेविटी बटन पर क्लिक करके लीगल ग्रेविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्रीशियस फीडबैक हमें ज़रूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लीगल ग्रेविटी से अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।